आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो शुरू करते हैं इंट्रो से. आज की कहानी का मकसद ये है कि हाउ आई मेड माई गेमिंग पीसी. आपका भाई ना गेमिंग करता है ना कुछ करता है, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो होती है उसको एडिट कर देता हूँ. तो उसके चक्कर में मैंने एक गेमिंग पीसी बनवा दिया है. नो यूज जस्ट शशके. कहानी का आगाज करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप शुड बी आपको अकेले नहीं जाना. आप अकेले जाओगे एक तो बोर हो जाओगे सारे रास्ते में और मज़ा भी नहीं आएगा. देखो कुछ काम करो तो इन्जॉय करके करो ना. सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए अपने एक दोस्त को कॉल करो, जो अच्छा दोस्त हो, जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बनती हो, और वो आपकी एक कॉल पर आ जाए. तो सिमिलरली मैंने भी अपने पहले एक दोस्त को कॉल की, उसको मैंने बुलाया कि चल भाई आ जाए गेमिंग पीसी खरीदने चले. द सेकेंड स्टेप वुड बी अगर गाड़ी निकालें और सफ़र के लिए रवाना हो जाएं. आप मेरा सफ़र देखिए, तब तक मैं ज़रा सैंडविच खा लूँ. भाई अस्सलाम वालेकुम. आज के वीडियो का मकसद ये है कि मैं और ये सलमान साहब हम जा रहे हैं टेक्नो सिटी. जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं. आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं. आदमी जबान भी है, आदमी बयान भी है, उससे तुम नहीं डरते. हर्फ और मानी के रिश्ता आया हमसे. आदमी है वाबस्ता आदमी के दामन से, जिंदगी है वाबस्ता उससे तुम नहीं डरते. अंत कहीं से डरते? जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो? उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो? मेरा मशवरा सबके लिए ये है, सुन लो तो अच्छी बात है, नहीं सुनो तो मर्जी है भाई. मशवरा ये है कि जब आपको कोई अच्छी चीज़ खरीदनी हो और एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी हो, मार्केट जाओ डायरेक्ट, एरिया के दुकान वालों से नहीं खरीदो. तो हमने यही स्टेप इम्प्लीमेंट किया. हमने बोला कि भाई इधर उधर से नहीं खरीदना. टेक्नो सिटी इज़ बेसिकली द मार्केट फॉर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स इन कराची. जितने कराची वाले हो मेरी इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि जब आपको कोई लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर ख़रीदना है तो सीधा जाओ टेक्नो सिटी. हमने भी बिल्कुल वही किया, हम पहुंच गए टेक्नो सिटी. लेकिन कराची की ट्रैफिक बहुत है यार. आपको हम ट्रैफिक भी अभी दिखाते हैं, ज़रा पहले सैंडविच खा लें दोबारा. टेक्नो सिटी पहुंच गए. अगला मशवरा ये है कि किसी की एक दुकान पे रुक के नहीं खरीदना. आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, सारी मालूमात है कि आपको खरीदना क्या, फिर भले एक दुकान पे रुक के खरीद लो, लेकिन तब भी मेरा मशवरा ये नहीं, मार्केट का सर्वे करें. मार्केट का सर्वे करो और पूरी मार्केट के रेट्स ले लो. अगर आप एक दुकान पे खरीदोगे तो वो आपको एक्सपेंसिव रेट देगा, दैट इज़ माई गारंटी. तो आप पहले मार्केट की सर्वे करें, पता कर लें कि भाई कौन सी चीज़ कितने की है. और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने ख़रीदना क्या, जैसे कि मैं, मुझे बस ये था कि मेरे को कोई अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत दिखने वाला पीसी चाहिए, ये नहीं पता था अंदर क्या होगा उसके, तो उसके लिए टू स्टेप्स. या तो आप पूरी मार्केट की सर्वे कर लो, आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चाहिए और कितने का मिल रहा है. सेकेंड स्टेप इज़ या तो आपका मार्केट में कोई बंदा हो जिसके पास आप डायरेक्ट चले जाओ, उसको बोलो जैसे हमारे थे वकास भाई, हम उसके पास चले गए, मतलब वकास भाई मुझे पीसी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए. तो उन्होंने मेरे को बंदे से भी मिलवा दिया और सब कुछ मुझे बता दिया कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए. फिर हम गए उस वकास भाई के बंदे के पास और उससे क्या गुफ्तगू हुई वो आप देखिए. नहीं 1GB 128GB DDR5 उस पर एडिटिंग भी करो, लिस्ट है तो भी चलाओ, जो भी चलाओ. लाइटिंग है नहीं इसमें?
ये वाला अगर ग्राफिक कार्ड एटी थाउजेंड लगा रहे हैं तो आप केसिंग बताओ कैसे चाहिए। केसिंग अगर हाई पे जाओगे 12,500, नॉर्मल पे जाओगे वो सामने पड़ी हुई है वो 7,500 वाली भी है। चलो सही है। और मेन चीज़ इसमें ये होता है प्रो बेनिफिट के पास तो माइंड रख लेना एक अच्छी चीज़ बन जाएगी चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो 60 का माइंड बनाना तो मैं वही बोला 60 का माइंड बनाना पड़ेगा बाकी जितना नीचे करोगे तो मशीन की क्वालिटी गिरती जाएगी और रेट नीचे होता जाएगा। ये सारी बात बोल दो पेपर पे लिख सकते हैं ठीक है लिखवा रहे हैं मैं हाँ मैं आ रहा इतनी सारी तो इतनी सारी कन्वर्सेशन करने के बाद दुकान वाले से इन दी एंड हमारे रिजल्ट कितना था ये तो ये सीन ये था यार मैंने उसको टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी खास मालूम नहीं थी भाई क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह तो मैंने उसको बोला कि सर आप एक एक पेपर हमें जो है ना लिख दें उस पर मेरे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब मेंशन कर दें और उस सब की प्राइजेस क्या होंगी वो सब मेंशन कर दें। तो ये सिमिलरली मतलब उसने यही सीन कर दिया उसने बता दिया कि मेरा बॉक्स क्या होगा रैम कितनी होगी हार्ड डिस्क कितनी होगी प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड ये सारा सीन उसने जो है ना मुझे लिख के एक पेपर पे दे दिया। मैंने उसको बोला चलें ठीक है अब आपने इतना कुछ मेरे लिए कर दिया मैं आपके पास आता हूँ थोड़े दिन में। रीज़न फॉर दिस वॉज दैट कि मैं घर आऊँ और घर वालों से डिस्कस कर लूँ कि भाई क्या क्या सीन है और मार्केट का और सर्वे कर लूँ रेट्स कंपेयर कर लूँ ये सीन था। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर नाउ मैं कंफ्यूज हो रहा था कि पीसी लूं या लैपटॉप लूं बिकॉज द रेट्स वर क्वाइट सेम क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर बना है वो भी अराउंड 80,000 रुपीज बना है और अगर मैं कोई एक लैपटॉप खरीदता वो भी आजकल डॉलर इतना महंगा है टैक्सेस इतने महंगे हुए हैं कि वो भी 80,000 के करीब पड़ रहा था। बताने की मेरी वजह यह है कि अगर आप लोग लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स खरीदने का शौक रखते हैं या ज़रूरत रखते हैं तो मतलब ये प्राइजेज हैं और जैसे कि आपके भाई ने सर्वे कर लिया मार्केट तो अगर किसी को ख़रीदना हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो आई विल आंसर टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़। अरे यार मैं पंखा बंद करना भूल गया पूरी वीडियो में शोर आ गया।